हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंडी। हाँ भाई। सब तैयार हैं? हाँ सब तैयार हैं। सबको पता है ना क्या करना है? हाँ सबको पता है। हीरो बनोगे ना तो ठुकोगे घुटनों के बल। बैग नीचे डाल बैग, रख बैग नीचे, हाथ पीछे। ए बैंक लुटेरों का ये गिरोह गया में गिरफ्तार हुआ था। इस घटना के तकरीबन 2 साल बाद गया से लगभग 98 किलोमीटर दूर पटना में हमारे पास एक केस आया। एक आदमी गायब हुआ था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो मिसिंग था या खुद अपनी मर्जी से कहीं चला गया। इमरान भाई एक प्लेट प्याज फ्राई हल्के तेल में तुरंत। अरे मुन्ना। हाँ। अर्जुन भाई को एक प्याज फ्राई करके दे। हाँ लाया। चलो यारो घर की बनी बिरयानी। आंटी को तूने पहले से बोल कर रखा था? नहीं भाई ललित, मेरे घर में बिरयानी हमेशा ज्यादा बनती है और माँ ने वार्निंग दिया था कि बाहर कुछ खाना नहीं, इसलिए मैंने तुम लोग को भी बोला कुछ ऑर्डर नहीं करो और ये आधी आंटी तुम लोग के लिए ले आया। वाह है क्या बात है, ये हुई ना बात। ये ले भाई। अरे मुन्ना रायता लेके आना। बनाना पड़ेगा प्रदीप भाई। तो दही ले क्या? बिना दही के तेरे हलक चटनी वाले नहीं उतरता ना। अरे खा के देख। काफी अच्छी है यार। तेरी मम्मी काफी अच्छा बिरयानी बनाती है यार। चल अर्जुन ललित मैं निकलता हूँ यार, कल सुबह बेगूसराय के लिए निकलना है। हाँ चल, बहुत टेस्टी बिरयानी थी, आंटी को थैंक यू बोलना। ध्यान रख अपना। बाय ललित। बाय प्रदीप। अरे बहुत टेस्टी थी यार। चल चले चले भाई। चल मजा आ गया यार, आंटी को थैंक यू बोलना। पक्का पक्का। चलो तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ ना घर तक। अरे नहीं यार चले आऊंगा वॉक करके, बिरयानी भी हजम हो जाएगी। चल चल मिलते हैं। बाय। तू भी बातों पे देख ले। हाँ ये भी कोई कहने की बात है भला। सुनिए ये अर्जुन का फोन तो अब तक बंद आ रहा है। किसी दोस्त के घर सो गया होगा संगीता। अरे सुबह का 9:30 हो गया है, कोई खबर ही नहीं है उसकी, फोन तक नहीं किया उसने और वैसे तो कभी उसका नंबर बंद नहीं आता। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे चिंता कैसे ना करूं, रात भर से गायब है, अरे फोन भी बंद है उसका। अच्छा यादव जी हम घर निकलते हैं, तिवारी जी कल मिलते हैं। हाँ माँ। राजन
अर्जुन कल रात से घर नहीं आया। कहाँ गया था? आधी हांडी बिरयानी लेकर गया, कहता दोस्तों के साथ बैठकर खाऊंगा। कौन से दोस्त माँ? ये तो नहीं बताया उसने। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। हेलो राजन। हाँ प्रदीप, कहाँ हो तुम? सर मैं तो बस में हूँ, बेगूसराय जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, कल रात अर्जुन तुम्हारे साथ था? हाँ, कल अर्जुन बिरयानी लेके आया था, मैं और ललित दबा के खा रहे थे। उसके बाद कहाँ गया अर्जुन? कहाँ गया मतलब, घर नहीं लौटा क्या? तभी तो तुम्हें फोन किया है। यार मैं तो खाना आके निकल गया था, पर ललित था अर्जुन के साथ। एक बार ललित को पूछ के देखना, कहीं उसके घर तो नहीं है। अर्जुन मेरे घर तो नहीं आया। हाँ हम इमरान भाई के होटल से साथ में निकले थे, मैं पैदल घर के लिए निकला और अर्जुन बाइक पर। कहाँ के लिए निकला था, कुछ बोला था? घर के लिए निकला होगा, कहीं और जा रहा है ऐसा बताया तो नहीं। क्यों घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं। अच्छा कितने बजे निकले थे तुम दोनों? कुछ डेढ़ बज रहे थे रात के, काफी लेट हो गया था। इतनी लेट अर्जुन घर के अलावा कहाँ जा सकता है? और सारे हॉस्पिटल चेक किए? सबके सब ठीक है। किसी हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट की खबर भी नहीं है। ये कहाँ गया अर्जुन? ललित कुछ पता चला? नहीं राजन भैया। आंटी सारी जगह हुआ है जहां जहां अर्जुन जा सकता है, होटल दुकान, लेकिन रात के डेढ़ बजे तो सभी बंद थे। समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात किससे मिलने गया होगा। मैं थाने में इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ, शायद मुझे पहचान जाए। अरे हेड कांस्टेबल हरीश मिश्रा जी, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, होमगार्ड की शान रहे हैं आप। कहिए रिटायरमेंट कैसी चल रही है? बस सर जी ठीक चल रही है। सर जी वो आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ कहिए ना हरीश जी। सर जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन मिश्रा कल रात से घर नहीं लौटा, फोन भी बंद आ रहा उसका, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल पा रहा। हरीश जी थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अर्जुन कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सर अर्जुन का लास्ट फोन लोकेशन शक्ति चौक था। हरीश जी राजन, अर्जुन का फोन 1:45 बजे स्विच ऑफ हुआ है। सर अपने शक्ति चौक के पास इमरान भाई का जो रेस्टोरेंट है वो वहीं था, अपने दो दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे के साथ। सर ललित ने मुझे बताया कि रात के करीब 1:30 बजे वो दोनों वहां से निकले थे। सर जी आज 2 दिन हो गए और मेरा बेटा अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता है। करता है क्या अर्जुन? जी सर फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा है जिसके पास अर्जुन जा सकता है, कोई खास दोस्त? सर खास हो रहे हुए जितने भी लोगों से अर्जुन का मेलजोल है सबसे हमने बात कर ली, किसी को कोई आइडिया नहीं है। सर सर अर्जुन अगर कहीं जाएगा भी तो अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करेगा? माँ तक को भी फोन नहीं किया उसने। अर्जुन के दोस्त ललित और प्रदीप सही बोल रहे हैं, उस रात तीनों यहां पर आए थे और अर्जुन तो अक्सर यहां पर आता है। इमरान उस रात को तीनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था, कोई गर्मा गर्मी? नहीं मैडम ऐसी तो कोई बात नहीं थी, अर्जुन अपने घर से बिरयानी लेकर आया था, तीनों ने बैठकर तबीयत से बिरयानी खाई, उसके बाद प्रदीप चला गया था और बाद में ललित और अर्जुन। ललित कह रहा था कि वो अर्जुन के साथ उसकी बाइक पर नहीं गया था। हाँ मैडम मैं अपनी बेगम से फोन पर बात कर रहा था तो मैंने देखा था अर्जुन बाइक से इस तरफ गया था और ललित उस तरफ। सर अर्जुन तो हमारा अच्छा दोस्त है, कैसे लड़ाई हो सकती है? और ऐसा भी कोई मिलने का प्लान नहीं था सर, मैं तो अपने से ही गया था इमरान भाई के होटल में खाना खाने बस। सर मेरा प्लान तो था अर्जुन से मिलने का, लेकिन बिरयानी का नहीं था, बस चाय पीने गप्पे लड़ाने मिले थे और इतने में अर्जुन की माँ का फोन आ गया। कांस्टेबल वाले एग्जाम की तैयारी हो गई? चल रही है यार, और इस बार पास करना है मुझे। बेस्ट ऑफ लक यार। हाँ माँ। हाँ बेटा बाहर कुछ खाना वाना मत खाना, बिरयानी बनी है घर पर। मम्मी 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 मेरी जान, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। प्रदीप माँ ने बिरयानी बनाई है, खाएगा? आंटी की बिरयानी? हाँ कैसे मना कर सकता हूँ यार, लेके आ। ठीक है तेरी बहन में लेके आता। अरे ललित तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे खाना खाना है और क्या करूँगा। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ की बिरयानी खाएगा? माँ के हाथ की बिरयानी? भाई जल्दी जा यार। ठीक है कुछ ऑर्डर मत करना, मैं लेके आता। हाँ ठीक है ठीक है। सर मैं आज ही लौटा हूँ बेगूसराय से, ललित तो कल से लगा हुआ है अर्जुन को ढूंढने में, अब मैं भी लग जाऊँगा इसके साथ। सर अब तो हमको भी टेंशन हो रहा है,
अर्जुन ऐसे कैसे बिना किसी को बताया जा सकता है? अर्जुन कहां कहां जाता था, किस किस के साथ बैठता था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। अभी बंद ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। संगीता, कहीं वो साक्षी वाला मामला तो नहीं? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अर्जुन के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया गया है, लेकिन सब बात यह है कि उसकी बाइक ना ही किसी पेट्रोलिंग टीम ने देखी है और ना ही हाईवे चेक पोस्ट पर देखी गई है। अर्जुन के दोनों दोस्त प्रदीप कुशवाहा और ललित दुबे, दोनों का कंगाला ठीक से? जी सर, वो दोनों जो जो बोल रहे हैं, रीना ने क्रॉस चेक किया होटल के मालिक इमरान से, अर्जुन अकेला ही निकला था वहां से, और अर्जुन के बैठने की हर जगह को हमने चेक किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कोई घरेलू मामला तो नहीं, फैमिली में कोई दुश्मनी या कोई लड़की का मसला? हरीश जी और राजन बताना भूल गए। जी हरीश जी, अर्जुन लौट आया? जी नहीं सर जी। सर जी, हम कल रात भर सोच रहे थे कि हमारे अर्जुन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। किस तरह की गड़बड़? सर जी, वो अर्जुन की साक्षी त्रिपाठी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती है, मतलब उनकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन सर जी वो साक्षी का एक बड़ा भाई है चेतन त्रिपाठी, वो इस शादी के खिलाफ था। हरीश जी, आप मुझे साक्षी का नंबर भेजिए। क्राइम ब्रांच, साक्षी त्रिपाठी से बात करनी है। ये अर्जुन के बारे में है? जी। राजन, तुम अर्जुन के दोस्त ललित दुबे का नाम तो ले रहे हो, पर कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है सर, लेकिन उस रात ललित ही आखिर तक अर्जुन के साथ था, और सर अर्जुन ऐसे बिना बताए बिना किसी वजह के कहीं नहीं जाता। देखिए सर, मुझे लग रहा है ये ललित या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। ललित का बयान हमने रेस्टोरेंट के मालिक इमरान से भी क्रॉस चेक किया, उसका भी यही कहना है कि ललित अर्जुन के साथ नहीं गया था। मैं जानता हूँ सर, लेकिन मुझे इस ललित पे डाउट है। साक्षी का बड़ा भाई चेतन, उस पर डाउट नहीं? तुम्हारे पिता हरीश जी ने बताया हमें इस चेतन के बारे में। क्या चेतन अर्जुन और साक्षी के रिश्ते के इतना खिलाफ था कि वो अर्जुन के साथ कुछ गलत कर सकता? मेरा बेटा चेतन खिलाफ था, था मैडम, और उसकी आपत्ति जायज थी, लेकिन हमने कभी कोई फैसला साक्षी पे थोपा नहीं। साक्षी, क्या अर्जुन ने तुम्हें बताया कि वो कहीं जा रहा है या फिर उसे किसी से धमकी मिली है? सीधे सीधे पूछे ना मैडम, क्या हमारे चेतन ने धमकी दी थी अर्जुन को? वो यहां है ही नहीं, वो नोएडा में रहता है, वहां उसकी अच्छी जॉब है, वो कैसे? देखिए, हम चेतन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, पर हकीकत यह है कि अर्जुन 3 दिन से गायब है। जी नहीं सर, अर्जुन ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सर मैं बहुत टेंस हूं, अर्जुन कहीं भी जाता है तो अपनी माँ को इन्फॉर्म जरूर करता है, और मुझे भी। तुम दोनों आखिरी बार कब मिले थे? 17 मार्च की शाम को। और उसी रात से अर्जुन गायब है। साक्षी, बेझिझक होकर सच बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन को तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते से अब भी प्रॉब्लम है? हमने इन दोनों की शादी तय कर दी है, फिर चेतन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चेतन ने साक्षी और अर्जुन के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था मैडम। इधर आ, इसे कहां लेकर जा रही है आप? साक्षी, अब तो खुलकर बोलो, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? सर मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। मतलब तुम्हें लगता है कि चेतन ऐसा कुछ कर सकता है? चेतन भैया मेरे और अर्जुन के रिलेशन के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरी और अर्जुन की शादी हो। साक्षी तुम पढ़ी लिखी हो, एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब है तुम्हारा, तुम्हारे आगे फ्यूचर है कुछ, और वो अर्जुन हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ा है, 27 साल का है, कुछ नहीं करता, एक ढंग का जॉब नहीं किया उसने, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इस शादी से उम्मीद क्या कर सकती हो? अच्छा तुम खुद बताओ,
क्या अर्जुन कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी है? भैया वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कौन से एग्जाम की तैयारी? पुलिस हवलदार? साक्षी तू पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी फर्स्ट क्लास। मेरी बात ध्यान से सुन, वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। बाबा माँ, हम साक्षी के लिए और अच्छा लड़का और लायक लड़का ढूंढ सकते हैं ना? भैया मेरी अपनी समझ है और फीलिंग्स भी, और ये ज्यादा लायक कम लायक ये क्या होता है? ऐसा कहते हो तो लगता है जैसे कि शादी के लिए लड़का नहीं बल्कि नौकरी के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हो। मुझे कैंडिडेट नहीं चाहिए, कंपेनियन चाहिए। मैं प्यार करती हूँ अर्जुन से। साक्षी मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। अभी तू ये मेरी बात सुन नहीं रही है, लेकिन आप देखिएगा आगे चल के अपने फैसले से पछताएगी तू। तो बेहतर होगा ना कि मैं अपने फैसले के लिए पछताऊं ना कि आपके। देखिए भैया आपने आपकी राय दी, मैंने सुन ली, लेकिन प्लीज अपनी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दीजिए। आखिर में चेतन भैया को अग्री होना ही पड़ा, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। मम्मी पापा को भी अग्री होना पड़ा। होना पड़ा मतलब मर्जी नहीं थी उनकी? आप ऐसा कह सकते हो, पर वो जानते थे कि मैं आखिर में वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। साक्षी फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे भाई चेतन का हाथ हो सकता है अर्जुन के गायब होने में? चेतन त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच पटना से। कहिए। चेतन को सवाल करने तुमसे। यहाँ पटना कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? आप फोन पर नहीं पूछ सकते? अर्जुन के बारे में पूछना है ना आपको। अब जवाब आपके सामने बैठ कर दूं या फोन से, आपके सभी सवालों का एक ही जवाब होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। चेतन तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी, पर हमसे उन्हीं सवालों की उम्मीद मत रखना। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आपके सामने बैठ के आपके सवालों का जवाब देने होंगे? कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? क्या सारे सबूत सारे ट्रैक्स कवर अप कर दिए तुमने? कैसे ट्रैक्स सर, कुछ बताइए तो सही आप। सब बताएंगे, पहले तुम चुपचाप यहाँ पटना पहुंच जाओ, 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें। सर 24 दिन भी देंगे ना तो भी नहीं आऊंगा मैं, अपने काम से 24 मिनट फ्री नहीं होता मैं। वॉरंट के साथ नोएडा पहुंच जाए, ऑफिस से गिरफ्तार करें तुम्हें। सर 18 मार्च की सुबह से अभी तक मैं अर्जुन को ढूंढने में लगा हूं। सर दोस्त है मेरा वो, और आप बार बार मुझसे वही सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि अर्जुन और मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। जो दोस्त तुम्हारे लिए घर से बिरयानी लेके आया, वो तुम्हें अपनी बाइक पर तुम्हारे घर पर ड्रॉप नहीं कर सकता? सब बोल तो चुका हूं कि अर्जुन ने ऑफर किया था लेकिन मैंने मना कर दिया था, मुझे लगा थोड़ी वॉक हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि अर्जुन घर नहीं पहुंचेगा, और उसको भी थोड़ी पता था कि सब। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। करते क्या हो तुम? सर नौकरी की तलाश कर रहा हूं, मेरी भी हालत बिल्कुल अर्जुन जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। मैं दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देता। दखल? क्या दखल देता अर्जुन दूसरों की जिंदगी में? सर दखल से मेरा मतलब है कि अर्जुन जो करता है जैसा करता है सही करता है, ये प्रदीप को भी पता है। उठा लो इस प्रदीप को। सर आप ये जिस अंदाज से उठा लाओ कह रहे हैं जैसे मुझे भी उठा के लेके आए, मुझे तो शक है कि आप ये केस हम दोनों के सिर पे थोपने वाले। दखल मतलब सर अर्जुन तो अच्छा ही करता है लोगों के साथ, समाज सेवा बोलो जो भी बोलो। सीधे सीधे ये बताओ अर्जुन क्या करता है, क्या दखल देता है दूसरों की जिंदगी में? सर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी के साथ झगड़ा हो तो अर्जुन सुलझा लेता है मामला। अब्दुल चाचा यही दोनों लड़के थे? हाँ यही दोनों थे। इसने 4 पैकेट बिस्किट और इसने 1 पैकेट सिगरेट का लिया, पैसे नहीं दिए। बेटा पैसे दो वरना तुम्हारे माँ बाप को हाजिर कर दूंगा लाके यहाँ पे। अबे कॉलेज स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक केस लगा ना तो करियर खत्म, और अगर चोरी भी करियर बनाया तो सब कुछ खत्म। चल निकाल पैसे, घूर क्या रहा, पैसे दे। चलो चाचा तुझे क्या अलग से बोलूं? सर लोग इज्जत करते हैं अर्जुन की, वो खुद पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला है, ऐसे छोटे मोटे मामले तो सर वो खुद ही सॉल्व कर देता है। सर वो कश्यप जी है ना, उनकी लड़की इशिता भाग गई थी किसी लड़के के साथ, अर्जुन जाकर उसको वापस लेके आया था। जाओ इशिता, पैर छोर, माफी मांगो। कश्यप जी गलती की है इशिता ने, गुनाह नहीं किया है, माफ कर दीजिए। बड़ा उपकार किया आपने हम पर। हाथ मत जोड़िए, बस वादा करिए कि आप इशिता पे हाथ नहीं उठाएंगे। पर अगर उस बदमाश ने फिर से ऐसी हरकत की तो? नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया, और अगर फिर भी उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो यही है दखल सर, अर्जुन सबके साथ अच्छा ही करता है। तो अब तुम दोनों ये बताओ कि अर्जुन ने किसकी जिंदगी में ऐसा दखल दिया कि उसे सहन नहीं हुआ और उसने पलटवार किया?
पता नहीं सर, हमें भी बहुत फिक्र हो रही है अर्जुन की। 3 दिन से ऊपर हो गए। 3 दिन से सर्चिंग चल रही है। अर्जुन तो दूर, अभी तक अर्जुन की बाइक का भी नामो निशान नहीं। सर हम भी तो उसको ढूंढने में ही लगे हुए हैं, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर आप जैसा कह रहे हैं ऐसा कोई लड़ाकू नहीं है अर्जुन, अपने आप से कभी हाथापाई नहीं की उसने, बल्कि वो तो दूसरों की लड़ाइयों को रोकता है। सर सर हाई स्कूल से ऐसा रहा अर्जुन। हमने ललित से सख्ती से पूछताछ की, साक्षी के भाई चेतन को यहां बुलाया, लेकिन अभी तक अर्जुन की बाइक ट्रेस नहीं हुई। उसका फोन जो हमने सर्विलेंस पर रखा हुआ है अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ सीरियस हुआ। यही उम्मीद करते हैं कि अर्जुन के साथ कुछ बहुत बुरा ना हुआ। सर अगर अर्जुन को कुछ, सर मार पापा जी तो टूट ही जाएंगे। कि अर्जुन की किसी के साथ इतनी गहरी दुश्मनी रही है जिसके चलते किसी ने अर्जुन को किडनैप किया हो और ऐसी जगह रखा हो जहां से इतने दिनों से हमें अर्जुन की कोई खबर नहीं मिली। सर साक्षी के भाई चेतन के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, वो सही कह रहा है, 2 महीने से वो पटना आया नहीं है। वैसे कल आ जाएगा नोएडा से। वो ललित दुबे, उसके फोन रिकॉर्ड्स? कुछ निकला ही नहीं सर, सिवाय इसके कि ललित और अर्जुन की लोकेशन शक्ति चौक के सेल टावर की रेंज में ही थी, क्योंकि ललित वहीं रहता है। चेतन के फोन रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता सर? साहब मैंने बहुत सारे हिस्ट्री शीटर से बात की, लेकिन अर्जुन मिश्रा की सुपारी दी गई हो इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। 2 दिन किसे सुने उसके, दूसरों के लिए लड़ाई झगड़े करता, कहीं वहां किसी से पंगा हुआ? किसे तो मेरे पास भी बहुत आए हैं इस अर्जुन के। ये बंदा अर्जुन है डेयरिंग वाला और शाना भी, अगर किसी ने इसकी सुपारी दी होती तो इसको पता लगा होता। तो फिर ऐसे कैसे गायब हो सकता गुरु? हम लोगों का खाता भी नहीं खुला है अभी तक और उसकी बाइक का भी कुछ पता नहीं चला। साहब कहीं अर्जुन फिर से किसी का मसला सुलझाने किसी मिशन पर तो नहीं निकल गया? अपने घर वालों को बिना बताए दूसरों का भला करेगा और अपने माँ बाप को हार्ट अटैक देगा ना। ठीक है साहब मैं और अंदर घुसता हूँ। वैसे ये अर्जुन का होने वाला साला चेतन त्रिपाठी से कुछ मिला? तो आप बताइए ना सर, अगर मैं यहाँ नहीं था तो मैंने किसे अर्जुन की सुपारी दी? नोएडा से वाया रिमोट कंट्रोल कैसे गायब करवा दिया मैंने अर्जुन को? सर आपके मुताबिक अगर मैंने कुछ करवाया है तो ऐसा क्या सबूत है आपके हाथ में? बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा? सर कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अर्जुन का बिना बताए चले जाना, क्या करता है क्या करने गया इसका किसी को ना मालूम होना, सर मुझे तो इसमें कुछ नया नहीं लगता है। अर्जुन को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? जानता नहीं था सर, पता लगाया था जब मेरी बहन साक्षी ने बताया कि वो अर्जुन से प्यार करती है तब। किससे पता करा? ये काम किसे सौंपा था? खुद गया था अर्जुन के परिवार वालों से पूछने, लेकिन उनके पास भी कोई ढंग का जवाब नहीं था। सर अर्जुन की फैमिली ने तुम्हें बताया कि वो बिना बताए कहीं चला जाता है, दूसरे लोगों की मदद करता रहता है? सर फैमिली कहाँ खुल के बताएगी, अब उनके पड़ोसियों से पूछिए, जहाँ अर्जुन उठता बैठता है वहाँ पूछिए। सर अर्जुन क्या करता है कहाँ उठता बैठता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो खुद अर्जुन से पूछ लिया था कि जो तेरे बारे में सुन रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। क्या कहा उसने? अब क्या बोलेगा सर, इतना बोला कि कुछ गलत नहीं करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करता हूँ उसका जवाब ही नहीं था उसके पास। कह रहा था कोई कांस्टेबल की जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सर इसलिए मुझे अर्जुन और साक्षी के रिश्ते से ऑब्जेक्शन था। पर हमने तो सुना तुम राजी हो गए थे। सर राजी होना पड़ा जब साक्षी अपनी जिद पर अड़ी रही तो, और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। सर अर्जुन की बहन? जी सर, अंकिता नाम है। बड़ी अजीब बात है सर, हरीश जी और राजन ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज है? संतराम चौक। कब की बात है? 1 साल पहले की। सुशील ने कुछ किया हो? नामुमकिन सर। अंकिता ने कुछ कहा आपसे? अंकिता नाम से कुछ कहा या नहीं कहा सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आप लोगों ने इस कंप्लेंट के बारे में हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजन तुम्हारी बहन, हरीश जी आपकी बेटी अंकिता घर से भागी थी, संतराम चौक में आपने कंप्लेंट लिखवाई थी। सर जी 1 साल पहले की बात है ये, वो हमें पता नहीं था कि हमारी अंकिता सुशील के साथ भाग गई थी। सर वो अंकिता के जाने के 6 महीने बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसने सुशील के साथ शादी कर ली है। और अर्जुन को यह शादी मंजूर नहीं थी? नहीं सर, वो काफी आग बबूला हो गया था। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि जो हो गया सो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो सुशील से भिड़ गया। जी वो आ गए सुशील, मेरे पति। सुशील, अर्जुन के गायब होने के बारे में पता ही होगा? अंकिता ने बताया होगा ना आपको, हमने भी अखबार में पढ़ा था। बताया था मैंने, तुमसे झगड़ा हुआ था अर्जुन का? हाँ हुआ था, लेकिन आप लोग उस झगड़े को अर्जुन के गायब होने से क्यों जोड़ रहे हैं? और उस झगड़े के हुए 6 महीने हो चुके हैं।
मैंने मना किया था अर्जुन को कि अंकिता की जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन वो नहीं माना। काफी बड़ा झगड़ा हुआ था उसको सुशील के साथ। सर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। सुशील के खिलाफ कुछ मिला आपको क्या? सुशील ने अभी तक हमें सुशील के खिलाफ कुछ नहीं मिला और ना ही किसी और के खिलाफ। हाँ लेकिन इतना जरूर कि अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी कई बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। सुशील ने अर्जुन को धमकी जरूर दी थी। अर्जुन ने खुद बताया था मुझे करीब 6 महीने पहले। ठीक है अंकिता, तुम ये बताओ तुम हो कहाँ पर? शादी कर ली अंकिता ने। करम फूट गए हमारे, नाक कटा दी इस लड़की ने। कहाँ है अंकिता? अपने पति के साथ। और ये पति कौन है? कोई सुशील झा नाम का लड़का है। राजन भैया कहाँ है दोनों इस वक्त? उसने बताया ना आपको अपना पता? एड्रेस दीजिए मुझे राजन भैया, एड्रेस दीजिए मुझे। जितना हमने अर्जुन के बारे में जाना है, वो दूसरों की भागी हुई लड़कियों को वापस लाकर उनके माँ बाप से मिलाता था, और यहाँ तो मामला उसकी खुद की बहन का था। जी सर, और उस दिन अर्जुन काफी बेकाबू हो गया था। हिम्मत कैसे है अंकिता मारने की? पागल हो गए तुम? अर्जुन भैया पति है ये मेरा। एकदम चुप जाके चुपचाप सामान बांध और चल मेरे साथ, मैं लेने आया हूं तुझे। हे अर्जुन, कानूनी शादी हुई है हमारी, अगर अंकिता को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा मैं। अबे मैं अपना घर और अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ भैया। आपको ये रिश्ता समझ नहीं आता तो आप जाइए यहाँ से, वैसे भी किसी ने नहीं बुलाया आपको यहाँ। दिमाग खराब कर दिया तूने इसका, तूने फंसाया इसे, बहुत गलत किया तूने। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं खुद ही आई थी सुशील के साथ, प्यार करती हूँ मैं इससे, शादी की हम दोनों, समझ क्यों नहीं आता आप? अरे तू क्यों नहीं समझ रही, माँ बाबा का क्या हालत कर दिया तूने, समझ में आ रहा तुझे? देख अंकिता, मैं तुझसे यहाँ पे बहस और झगड़ा करने नहीं आया, चुपचाप जाके सामान बांध और चल मेरे साथ। हे अर्जुन, तेरी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझा? मेरी गुंडागर्दी भी तूने देखी कहाँ है? बहुत देखे तुझे से, मुझसे पंगा लिया ना चुप नहीं बैठूंगा, पलट के वार करूंगा और वो भी सूद समेत। निकला प्यासा तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? देख अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन, आज के बाद तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे अंकिता को कोई भी परेशानी हो, समझा? माँ पापा ये रिश्ता आप लोगों को मंजूर है? अर्जुन मुझसे बात कर, इधर देख, देख साक्षी के भाई को भी तुम दोनों की शादी मंजूर नहीं है। आप लोग खामोश क्यों है? कुछ पूछ रहा आप लोगों से, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप लोग मानते इस रिश्ते को? कितने भाग के शादी कर ली, नाक कटा दिया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, खून नहीं खोलता आप लोगों का? देख बेटा, अंकिता भी हमारा ही खून है, अब कुछ नहीं हो सकता। अंकिता की शादी तो हो चुकी है ना बेटा, अब जो है सो है। हाँ हम मानते हैं इस शादी को बेटा, और अच्छा होगा कि तू भी मान ले। अर्जुन, सुशील इस घर का दामाद है, मेरा जीजा तेरा जीजा, गूर मत। देख अपना गुस्सा शांत कर और एक मेरी बात गार्ड मान ले, आज के बाद तू कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेगा। अर्जुन भैया ने जब धमकी दी थी, मैंने तुरंत राजन भैया को फोन करके बताया था मैडम। सर फिर मैंने अर्जुन को काफी समझाया था। अंकिता, सुशील, अर्जुन ने मुझे बताया कि तुमने भी उसे धमकी दी थी। मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी थी राजन भैया, मैंने सिर्फ अर्जुन की धमकी का जवाब दिया था, और उस झगड़े के बाद तो कभी अर्जुन घर पे आया ही नहीं, तो फिर मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? हो सकता अपने बचाव के लिए तो नहीं ये कदम उठाया। कैसा बचाव सर, और क्या कदम? यही कि अर्जुन कुछ करे उसके पहले ही उसे चुप करा दो। तो आप कह रही हैं कि मैंने अर्जुन की धमकी से डरकर उसके अगवा कर लिया, क्या फिर सीधा मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं आप लोग? अर्जुन गायब है, 5 दिन गुजर गए हैं। सुशील झा, मैं एक मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर, मेरा पूरा चिट्ठा खोल कर देखिए आप लोग, आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा मैंने। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है, प्यार का भी फर्स्ट टाइम होता है, और मैंने और अंकिता ने ये बात ठान ली थी कि हम हमारी जात बिरादरी को कभी अपने प्यार के बीच में आने नहीं देंगे। और अंकिता ये बात जानती थी कि इसके बाकी घर वाले माने या ना माने, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मानेगा, वो कभी नहीं हमें एक होने देगा। अर्जुन की आदत है दूसरों के मामलों में दखल देने की, और यहाँ तो उसके खुद के घर का मामला है, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली, और शादी के पूरे 6 महीने के बाद अंकिता ने राजन भैया को सब कुछ बता दिया, और उसके बाद अर्जुन अंकिता को घर वापस ले जाने आया और तुम्हें धमकी भी दी। लेकिन उस एक धमकी के बाद कुछ हुआ नहीं, तो फिर पूरे 6 महीने के बाद मैं ऐसी बेवकूफों वाली हरकत क्यों करूंगा? बेटा अंकिता,
सुशील, देखो अर्जुन के बारे में कुछ पता हो तो बोल दो। पापा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें सच में कुछ नहीं पता। हमें जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है। अखबार में जब खबर पड़ी थी, ना ढंग से सो पाई ना कुछ खा पाई, लेकिन घर पर एक फोन भी नहीं किया हाल पूछने के लिए। सोचा कई बार था मैंने, पर डर लगता था कि ये सब कुछ कहीं हम पर ना आ जाए। राजन, तुम बार बार ललित का नाम ले रहे हो, लेकिन हमें ललित के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। तो सर तोड़िए इस ललित को, ये ललित झूठ बोल रहा है। पर वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। अर्जुन और ललित दोस्त हैं, उस रात दोनों ने साथ में बैठकर बिरयानी खाई, फिर अपने अपने घर चले गए। ये ललित झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन रात के 1:30 बजे अपने किसी दोस्त को ऐसे पैदल घर जाने देगा। वो उसे बाइक पे जरूर ड्रॉप करता। सर अर्जुन मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अर्जुन क्या है, कैसा है, उसके बारे में 10 जगह से 10 अलग अलग बातें सुनने को मिल रही। अब चूंकि तुम्हें ललित पर शक है, सिर्फ इस बुनियाद पर हम ललित को अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ठोस सबूत का होना जरूरी है। राजन, क्या अर्जुन पुलिस के लिए काम करता था? खबरी था वो। चौधरी, कोई टिप मिली? हाँ सर, गुरु खबर लाया। क्या क्या बोल रहा है गुरु, पुलिस खबरी? मैं भी थोड़ा हिल गया जब मेरे पंटर ने टिप दी। ये बंदा अर्जुन तो अपनी बिरादरी का निकला और हम लोगों को कभी भनक तक नहीं लगी। गुरु, टिप पक्की है ना? साहब, ये पंटर मेरा बहुत ही खास है, आज तक कच्ची रोटी नहीं परोसी उसने। तुम जानते हो तुम्हारा भाई अर्जुन पुलिस का खबरी है? सर हाँ भी और ना भी। मेरा मतलब है, पापा होमगार्ड में हेड कांस्टेबल थे और अर्जुन को भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, ये हम सब जानते हैं। और अर्जुन जैसे सबकी मदद करता है, ऐसे पुलिस वालों की मदद करता है। लेकिन ये खबरी होने वाली बात तो मुझे नहीं मालूम थी। तो फिर किसे मालूम होगा? कौन सा थाना, कौन से अफसर का खबरी था अर्जुन, या फिर है? मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अर्जुन कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। पर राजन, किसी ना किसी गैर कानूनी काम करने वाले को तुम्हारे भाई अर्जुन की हरकतों से तकलीफ तो हुई होगी। उसकी खबरों से किसी ना किसी का धंधा तो चौपट हुआ होगा। देखिए सर, मैं तो फिर से वही कहूंगा, ललित। सर गुरु को लगा दिया ये पता करने के लिए कि कौन से थाने में कौन से अफसर का खबरी है ये अर्जुन। सर मैंने इलाके के सारे थानों में इंक्वायरी की, किसी ने अर्जुन मिश्रा का नाम तक नहीं सुना है। अर्जुन के बाइक के बारे में भी हमने अब तक कुछ नहीं सुना, इतनी सफाई से कैसे गायब हो सकती है? अगर किसी ने दुश्मनी निकाली है तो बाइक बेचता जलाता कुछ तो करता, और खबर हम तक पहुंच जाती। सर हो सकता है अर्जुन के साथ किसी ने कुछ यहां कर दिया और उसकी बाइक को पटना के बाहर ले गया, या शायद अर्जुन खुद बाइक लेके पटना से बाहर चला गया। लेकिन सर ऐसे बाहर जाने का मकसद क्या हो सकता है? ऐसा क्या हुआ होगा जो इस तरह बिना किसी को बताए अर्जुन को जाना पड़ा? काम से गया है या भाग गया? चौधरी, इस ललित की हिस्ट्री फिर से खंगाल। राजन बार बार उसका नाम ले रहा है, शायद राजन को जानता है और वो चाहता है कि हमें खुद पता चल जाए, या फिर वो यूं ही शक कर रहा है। मुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन अब मैं श्योर हूँ चेतन भैया ने कुछ नहीं किया है, मैंने खुद बात की उनसे। साक्षी, माँ पापा बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, मैं भी। अगर तुम्हें कुछ भी पता हो, मतलब अर्जुन ने बातों बातों में कुछ कहा हो तुमसे, या कोई हिंट दी हो? अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहीं जाने वाला है, उसे कोई तकलीफ है, कुछ नहीं। 17 मार्च की शाम को हमारे बीच एकदम नॉर्मल बातें हुई, रोज जैसी। मैंने कितनी बार याद करने की कोशिश की कि उस शाम को अर्जुन की बातों में, बर्ताव में क्या कुछ अलग था, क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के साथ क्या हुआ उसका एक भी सुराग नहीं मिला था, बस हमें उसकी बैकग्राउंड की एक अधूरी सी तस्वीर नजर आई थी। अधूरी इसलिए क्योंकि हमें जानकारी किश्तों में मिल रही, और अब इस मोड़ पर हमारे हाथों एक ऐसी खबर आने वाली थी जिससे इस केस का रुख पूरी तरह पलटने वाला था। बैंक रॉबरी? जी साहब, गया का एकदम शातिर गिरोह, 2 साल पहले पूरी टोली पकड़ी गई। घुटनों के बल बैग नीचे डाल। और अर्जुन भी उस गिरोह का मेंबर था। साहब गया का एक पॉकेट मार बाबू यही बोला, वो आजकल यही पटना में है। तेरी जेब में जो फोटो है किसका है?
जानता है क्या इसको? हाँ मिला हूँ इसको जेल में। जेल में? कब कहाँ? 2 साल पहले मिला था, गया जेल में। बिरजू। बाबू पॉकेट मार हूँ, पर तुम मेरी बिरादरी के नहीं लगते बिरजू। बिरजू ये नाम बताया था इसने? हाँ। अंदर क्यों हुआ था? इनका पूरा गिरोह अंदर था यार, 4-5 बैंक लूटे थे गया में। बैंक लुटेरों का गिरोह? हाँ। पर तू इस बिरजू का फोटो लेकर क्यों घूम रहा है? यहाँ भी कोई बैंक लूटा क्या? पटना का रॉबिनहुड अर्जुन, गया का बैंक चोर बिरजू। अर्जुन बिरजू के नाम से गया में बैंक लूटा। गुरु तेरा ये बाबू पॉकेट मार भरोसेमंद तो है ना? साहब फोटो इतने पास से दिखाया था उसको, वो पूरे दावे के साथ बोला ये बैंक चोर बिरजू ही है। कहानी में ट्विस्ट, अर्जुन मिश्रा की जिंदगी का ये पहलू तो अभी तक हमारे सामने आया नहीं था। एक और बात, आपने बोला था ललित दुबे की कुंडली निकलवाओ। हाँ, कुछ निकला श्रीमंगल? साहब ये ललित है तो बेकार, नौकरी भी ढूंढ रहा है। लेकिन इसकी भी कहानी में ट्विस्ट है, ये ललित पंटरगिरी भी करता है। कैसी पंटरगिरी? सर ये ललित क्रिकेट लाला के लिए काम करता है। क्रिकेट लाला? चौके पे 5 लगाओ, नो बॉल पे 6 लगाओ। ये लाला एक छोटे से कमरे से बेटिंग रैकेट चलाता है। फिर से कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल, गेंद दो फील्डर्स के बीच में निकल गई और ये 4 रन। अगले 2 ओवर में 1 विकेट गिरेगी, अगर गिरी तो 1 का 5, अगर टिकी तो 1 का 7। 1 का 5, बोलो जल्दी बोलो। 100% विकेट गिरेगी, स्पिनर्स के पीछे स्पिनर्स आने वाले, अंधा लंगड़ा गूंगा सब बोलेंगे कि विकेट गिरेगी। तेरा 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 रही। इस अर्जुन का भी बैटिंग रैकेट में कोई हाथ है? साहब नाम तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन बैंक चोरी में ये अर्जुन उर्फ बिरजू अंदर गया है। सर क्या हरीश जी और राजन को भी इस बारे में मालूम होगा? बैंक चोरी के जुर्म में अंदर गया था, अब अंदर चाहे बिरजू नाम रखे या कुछ और, ये लोग अर्जुन की बेल कराने कोर्ट तो गए होंगे, केस भी चला होगा, अब भी चल रहा हूँ। अर्जुन जेल में था बिरजू के नाम से? सबूत है, रिकॉर्ड है राजन। फर्जी रिकॉर्ड होंगे सर। अर्जुन 2 साल पहले गया में था? हाँ सर गया था, 2.5 साल पहले, करीब 6 महीने के लिए। लेकिन सर वो तो किसी टेम्परेरी काम के लिए गया था। अर्जुन बैंक लुटेरा कैसे हो सकता है? उसे तो जुर्म से सख्त नफरत है। हाँ रीना, 2 साल पहले का बैंक रॉबरी का केस था, वो केस अब भी कोर्ट में चल रहा है, तुम्हें क्या जानना है उस केस के बारे में? अंजलि मैम, जिन 6 लोगों को आपने बैंक रॉबरी में गिरफ्तार किया था, क्या उसमें से कोई बिरजू था? बिरजू के बारे में क्या जानना है? क्या इस बिरजू की जमानत हुई थी? वो 6 के 6 जुडिशियल कस्टडी में है, सुनवाई होती रहती है। मैंने बिरजू की एक तस्वीर आपके थाने भिजवाई है, जरा आप देख लेंगे प्लीज? हाँ यही है बिरजू। केस क्या है? क्या आप जानती है कि इस बिरजू का असली नाम अर्जुन मिश्रा है? नहीं। ऐसा है रीना, बात क्या है? मैम ये अर्जुन उर्फ बिरजू यहाँ पटना से मिसिंग है, होमगार्ड के रिटायर्ड कांस्टेबल का बेटा है। हमको अभी अभी पता चला है कि आपने जिस बैंक लुटेरों के गिरोह को पकड़ा था उसमें अर्जुन भी शामिल था बिरजू के नाम से। हमें उस गिरोह की पूरी डिटेल्स चाहिए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अर्जुन इस बैंक लुटेरों के गिरोह में शामिल हुआ। हमारा अर्जुन बैंक लुटेरा? नामुमकिन। पता नहीं पापा, मेरा तो दिमाग ही सुन पड़ गया सुनके। मैं तो कहती हूँ किसी ने बहुत ही बुरा फंसाया है हमारे अर्जुन को। पापा मैं तो पुलिस वालों को कह कह के थक गया कि उस ललित को घसीटो थाने, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे। राजन तू साहब से दोबारा बात कर और उनसे कह कि वो अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आउटर पटना थाने से फोन था, वहां तालाब में एक लाश मिली है। अर्जुन मिश्रा? बॉडी पहचान के बारे गल गई है सर, गला घोट के मारा गया था। वैसे हाइट वगैरह सब अर्जुन से मैच हो रही है? मैच तो हो रहा है अर्जुन मिश्रा की डिटेल से, लेकिन देखकर पहचाना लगभग असंभव है। रमेश अर्जुन 17 मार्च को लापता हुआ था, 12 दिन पहले।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत का वक्त क्या है? मौत को लगभग 72 घंटे, या हो सकता है कि और भी ज्यादा टाइम हो गया हो। कोई प्रॉपर टाइम बाउंड नहीं दिया रिपोर्ट में। बॉडी काफी गल गई है। क्या हुआ? हाँ? कुछ पता चला है अर्जुन के बारे में? पापा आप ऐसा कुछ मत सोचिए। अभी माँ अभी कुछ दावे के साथ नहीं कहा है पुलिस ने, बस इतना कहा है कि एक लाश मिली है। माँ मैं और पापा देख के आते हैं, आप डरो मत, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। पापा आप तो ऐसे मत टूटिए, अभी कुछ भी नहीं पता चला है। अब चलिए मामा आते हैं। सर, गया के इंस्पेक्टर अंजलि से लंबी बात हुई, जिन्होंने बैंक लुटेरों को पकड़ा था। क्या बोले? मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। किस बारे में? गया में हुए इस ऑपरेशन के बारे में। मेरा मतलब है, अंजलि मैम ने फोन पर क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, बस इतना कहा कि वो खुद आकर आपसे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पर अंजलि ने इतना तो माना ना कि अर्जुन ही बिरजू है जो बैंक रॉबरी केस में जेल गया था। जी हाँ सर, वो माना। ये अर्जुन मिश्रा मिसिंग केस है क्या? और ये अर्जुन खुद असलियत में क्या है? हेलो, पटना के बाहर तालाब में जो बॉडी मिली है ना, सड़ी गली हुई, वो आपके अर्जुन मिश्रा की है। तो कौन बोल रहा? बस शुभचिंतक समझ लीजिए, अर्जुन का और आपका भी। और अपने नाम और पहचान तो बताएगा नहीं तू? छोड़िए ना, पहचान तो उस बॉडी की होनी है, और वहाँ पर कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि अर्जुन नहीं है। कौन नहीं पहचानेगा? अर्जुन का कातिल और कौन? तू अपना नाम तो बता नहीं रहा, कातिल का नाम भी नहीं बताएगा क्या? मिस्टर शुभचिंतक, कातिल वही है जिससे शिनाख्त करवाई जाएगी। देख जलेबियां मत बना, सीधे सीधे नाम बता। सीधा है ही क्या दुनिया में? कुछ भी तो नहीं। पता चला दुनिया के चक्कर काट रहे हैं जलेबी की तरह, और कातिल अंदर बैठा हुआ है, घर के अंदर। जरूर फर्जी नाम फर्जी एड्रेस से सिम लिया होगा। सर इशारा तो सीधे राजन की तरफ किया गया है। ये आवाज ललित दुबे की तो नहीं थी, उसका कोई साथीदार हो सकता। वैसे इस अज्ञात कॉलर ने हमें इशारा तो कर ही दिया कि लाश को देखकर कातिल का रिएक्शन क्या होगा। देखते हैं हरीश जी और राजन का रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ बेटा, अर्जुन का कुछ पता चला? अर्जुन के भैया का फोन था, पुलिस को एक लाश मिली, शायद अर्जुन की हो सकती। यहां हुआ क्या था और खेल क्या खेला जा रहा था, उस वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन का अतीत और वर्तमान दोनों दर्जनों सवालों में लिपटे थे, जिसके जवाब हमसे अब तक छुपे रहे थे या छुपाए गए। लाश अर्जुन की थी या नहीं, यह अभी किसी को पता नहीं था। हमें तो यह भी शक था कि अर्जुन शायद अपनी मर्जी से जानबूझकर गायब हुआ ताकि कोई खास मकसद पूरा कर सके। पर वो मकसद क्या है? कि अर्जुन जिंदा है? जिंदा है तो कहां है? और अगर जिंदा नहीं है तो फिर क्या हुआ उसके साथ? किसकी कैसी दुश्मनी थी अर्जुन से? अतीत की थी या वर्तमान की, या फिर ये केस किसी और ही नहीं पर खड़ा था? सवाल सवाल और सवाल, इन सारे सवालों के जवाब हम कल के एपिसोड में देंगे, जहां हमने इस केस को हर दिशा से हर तरह से टटोला और सच को बाहर निकाला। Crime Patrol सतर्क, जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.